यदि राशन कार्ड को घर बैठे एक डीलर से दूसरे डीलर के पास अपने कार्ड को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस वीडियो देखने बाद आप जो है कि खुद से कर पाएंगे एंड जो है कि सारा प्रक्रिया मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मेरा नाम है सुधीर, आप सभी का ट्रू हेल्प यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गाइस चैनल पे पहली बार होंगे, वीडियो नीचे रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब बटन, टच करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन से प्रेस कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन किया हूँ। यहाँ पे राशन कार्ड ऑनलाइन लिखकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद ऊपर वाला वेबसाइट को ओपन करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी चेंजिंग करना हो राशन कार्ड में, ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डीलर का नाम चेंज करने के लिए मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डाउनलोड्स का जो है कि ऑप्शन मिल रहा है, इस पे यदि इस प्रकार का राशन कार्ड आप भी प्रिंट आउट करना चाहते हैं, आपका राशन कार्ड खो गया हो, भूल गया हो या न्यू बनवाए हो तो राशन कार्ड नहीं मिला हो, राशन नंबर तो मिल जाता है लेकिन राशन बुक नहीं मिल पाता है, राशन कार्ड बुक, तो इस प्रकार का यदि बुक प्रिंट करना चाहते हैं, राशन कार्ड प्रिंट आउट करना चाहते हैं कॉपी, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। इस वीडियो जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको जो कि राशन कार्ड प्रिंट लेकर उसके साइड में जो है कि लिंक दिया रहेगा, उस लिंक को ओपन कीजिएगा, डायरेक्टली वीडियो पे पहुँच जाइएगा, उस वीडियो को देखिएगा, आपको राशन कार्ड प्रिंट से रिलेटेड प्रॉपरली वीडियो बनाया गया है, आप जो है कि उस वीडियो को देखकर राशन कार्ड प्रिंट आउट जो कर सकते कि हैं, ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पे जो है कि चले जाना है। एंड यहाँ पे जो है कि अलग अलग का डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आप डीलर चेंज अपने कार्ड में करना चाहते हैं तो मेरे ही वीडियो को, मेरे ही स्टेप को सेम फॉलो कीजिए। तो इस फॉर्म को जो है कि मैं ओपन कर लिया, वैसे मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया, आपको मैं दिखा दूं, तो ये देखिए ये फॉर्म है, यहाँ पे जो है कि बहुत ही ईजी है, यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, कर्धारी का नाम डालना है, जिसके नाम पे भी राशन कार्ड होगा उसका यहाँ पे नाम डाल देना है, यहाँ पे राशन संख्या डाल देना है, राशन कार्ड संख्या यहाँ पे डाल देना है। एंड यहाँ पे जो है कि किस वजह से जो है कि चेंजिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो है कि टिक लगा दीजिएगा, यहाँ पे कर्धारी का हस्ताक्षर करा दीजिएगा, यहाँ पे कर्धारी का नाम दे दीजिएगा, यहाँ पे जो भी स्थान से आप होंगे, जो भी ग्राम से, यहाँ पे दे दीजिएगा, यहाँ पे दिनांक जो है कि जिस दिन ऑनलाइन करा रहे होंगे उसका जो है कि यहाँ पे दिनांक दे देना है, ठीक है। इसके बाद जो है कि मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एंड होम पे चले जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कार्ड होल्डर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो स्टेप से आप लॉगिन कर सकते हैं राशन कार्ड में चेंजिंग करने के लिए। एक तो है कि UID से लॉगिन एज राशन कार्ड नंबर एंड पासवर्ड, तो यहाँ पे जो है कि मैं लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ जो कि मैं राशन कार्ड नंबर से एंड पासवर्ड से लॉगिन करूँगा, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं राशन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका राशन कार्ड का नंबर होगा यहाँ पे डालना है, यहाँ पे कार्ड का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कार्ड हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे PH अंत्योदय एंड यहाँ पे ग्रीन राशन कार्ड, तो यहाँ पे PH के लिए, तो मैं PH के लिए सेलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे जो जिसके भी नाम से राशन कार्ड होगा, जिसके भी नाम पे राशन कार्ड होगा उस व्यक्ति का यहाँ पे लास्ट के 8 डिजिट का आधार नंबर डालना है, यहाँ पे समझ रहे ना, जिसके भी नाम से राशन कार्ड होगा उसका आधार का लास्ट 8 वाला अंक डालना है, आधार संख्या, आधार का लास्ट 8 वाला अंक यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ सारी चीज़ फिल करके। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा, यहाँ पे डीलर बदलना है, यहाँ पे परिवार के सदस्य के नाम जोड़ने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे जो है कि साइड बार में आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के जो है चेंजिंग कर सकते हैं राशन कार्ड में आपने। यहाँ पे डीलर बदलना पे क्लिक करते हैं, आप भी डीलर बदलना चाहते हैं अपने राशन कार्ड में तो मेरे ही स्टेप को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे फैमिली मेंबर का यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी फैमिली मेंबर को आप सिलेक्ट कीजिएगा उनका आधार संख्या यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट डालना है, लास्ट का आधार संख्या 2 को, और यहाँ पे जो है कि जो भी फैमिली मेंबर को सिलेक्ट किए हैं उसका पूरा आधार संख्या यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आधार संख्या डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है, यदि आपका आधार संख्या सही हुआ तो यहाँ पे नीचे का ऑप्शन खुल जाएगा स्टेप 2, यहाँ पे नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है डीलर को, जो भी डीलर के पास आप अपना राशन कार्ड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो डीलर का यहाँ पे नाम चूज कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे मैं नाम चूज कर लिया, राम कृष्णा राम,
एंड यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म मैं शुरू में बताया था आपको भरने के लिए, डाउनलोड करके भरने के लिए, वो फॉर्म को यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है, प्रिंट आउट करके भर के इसके बाद स्कैन करके यहाँ पे चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे फॉर्म को आपको व्यू करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इस फॉर्म को प्रिंट आउट करके स्कैन कर लेना है फिल करके, इसके बाद यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड कर देना है और सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक रिसीविंग प्राप्त हो जाएगा, जिस रिसीविंग ये प्राप्त हुआ है इस रिसीविंग को अपने कस्टमर को दे दे प्रिंट आउट करके, ठीक है। और एक कॉपी अपने पास रखें और एक कॉपी और इसके साथ आधार कार्ड राशन कार्ड का फोटो जेरोक्स कॉपी करके और एमओ ऑफिस के पास जाकर जमा करना होता है, तभी आपका जो है राशन कार्ड का डीलर जो है बदल जाएगा, एक एक डीलर से दूसरे डीलर के पास आपका राशन कार्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।